नमस्कार। वो चली गई इसलिए नहीं कि उनको जाना था, वो चली इसलिए गई कि एक ना एक दिन सबको जाना है। सुर साम्राज्ञ लता मंगेशकर आज इस दुनिया में नहीं है और उनका कोकिल स्वर सृष्टि रहने तक धरती के कोने कोने में गूंजता रहेगा। उनके कंठ में जितनी कोमलता थी, उनकी आत्मा उतनी ही निर्मल, उनका मन उतना ही अधिक मृदुता से भरा हुआ था और उनके इरादों में चट्टान सी मजबूती, संकल्पों में हिमालय जैसी दृढ़ता थी। कभी कोई अड़चन उनको रोक ही नहीं पाई। कोई क्या तोड़ेगा हिम्मत उसकी, कोई क्या तोड़ेगा हिम्मत उसकी, टूट टूट कर भरी हो कीमत जिसकी। और जब हमें असफलता का सामना करना पड़ता है तो हम अपनी विफलता से कुंठित होकर अवसाद में गिर जाते हैं और कभी कभी तो आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में लता मंगेशकर का जीवट भरा जीवन हमें नई ऊर्जा दे जाता है, नई दिशा दिखा जाता है। उनका पहला गाना जो उन्होंने 1942 में गाया था एक मराठी फिल्म के लिए, जब वो फिल्म रिलीज हुई तो वो गाना उस फिल्म से हटा दिया गया था। नन्ही लता आहत तो हुई पर हारी नहीं। उसके बाद उन्होंने 1947 में अपना पहला गाना आपकी सेवा में हिंदी मूवी के लिए गाया, लेकिन किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। लता फिर भी नहीं हारी। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी जब अपनी शहीद मूवी बना रहे थे तो उन्होंने लता की आवाज को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आवाज बहुत पतली है, चलेगी नहीं। वो जमाना नूर जहां और शमशाद बेगम का था। लता इस रिजेक्शन से बिल्कुल नहीं घबराई और वो अपने स्वर्णिम भविष्य की बुनावट में लगी रही। कहते हैं किताबों में लिखी जाती है कहानी सबकी, जिंदगी की किताब लिखी सबकी जाती है पर पढ़ी इन्हें गिने चुने लोगों की जाती है। 13 साल की उम्र में लता के सिर से पिता का साया उठ गया, पूरे परिवार का बोझ एकाएक उसके कंधों पर आ पड़ा। मजबूरी में लता ने फिल्मों में छोटी मोटी अभिनय की भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें अभिनय पसंद नहीं था और ना ही उनको कभी मेकअप रास आया, तो उन्होंने अभिनय की दुनिया को छोड़ दिया और संगीत के लिए कड़ा रियाज करने लगी। उनकी पहली कमाई 25 रुपए थी और आज उनकी सारी संपत्ति की कीमत लगभग 326 करोड़ आंकी जा रही है। उन्होंने अपने जीवन में 36 से भी अधिक भाषाओं में 45,000 से भी ज्यादा गाने गाए और अपनी इस लंबी संगीत की यात्रा में कैबरे सॉन्ग केवल एक ही गाया। उनका अंतिम गाना था जिसे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में कविता के रूप में प्रस्तुत किया था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस गाने की मधुरता कहीं भी आपको ये अंदाज देती है कि ये मधुर स्वर एक 90 वर्षीय गायिका का होगा। वैवाहिक सुख लता मंगेशकर की भाग्यलिपि में नहीं था। उन्होंने अपनी बहन आशा, मीना, उषा और भाई हृदयनाथ मंगेशकर की दुनिया में ही अपनी खुशियां तलाश ली। ऐसा नहीं था कि लता मंगेशकर के दिल में प्रेम की कोपलियां नहीं फूटी थी, उनके वासंती दिनों में उनके सपनों ने अंगड़ाइयां नहीं ली थी, उन्हें भी प्रेम हुआ था। जी हाँ, उन्हें प्रेम हुआ था डूंगरपुर राजघराने के कुंवर राज सिंह से। लेकिन राजघरानों के कुछ आनमान नियम थे और कुंवर राज सिंह की माँ का कुछ मान था कि वे लता मंगेशकर को अपनी अर्धांगिनी नहीं बना पाए।
तो प्रेम की एक निष्ठता देखिए आप, दोनों ने आज जन्म अविवाहित रहने का निर्णय लिया। मुझे मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। राज सिंह लता को प्रेम से मिठू कहा करते थे। हाँ, मुझे एक बात और याद आई कि लता मंगेशकर का बचपन का नाम हेमा था, लेकिन उनके पिताजी ने जब वो 5 वर्ष की थी उनका नाम हेमा से लता कर दिया, क्योंकि उनके थिएटर में एक बहुत ही प्रतिभाशाली अदाकारा थी जिसका नाम लतिका था, और उसी से प्रभावित होकर हेमा से ये लता बन गई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। बात सब 1963 की है। लता के पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने खून की जांच की, और जब जांच की तो क्या पाया कि लता मंगेशकर को किसी ने जहर दिया है। सारा परिवार ये सूचना पाकर स्तब्ध रह गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से समय पर उपचार मिल गया था, वे ठीक हो गई। बाद में लता को उस व्यक्ति का नाम भी मालूम पड़ गया था जिसने उन्हें जहर दिया था, लेकिन उदारता देखिए, पूरी जिंदगी वे उस व्यक्ति का नाम कभी अपनी जुबान पर नहीं लाई। नारी सशक्तिकरण की साक्षात प्रतिमा लता मंगेशकर हमेशा अपने अधिकारों के लिए सजग और न्याय की टेक के लिए लड़ती रही। स्वाभिमान तो ऐसा प्रखर था कि बड़े बड़े सितारे भी उनके सामने निस्तेज हो जाते थे। जब रॉयल्टी के मामले में मोहम्मद रफी और राज कपूर साहब से उनकी अनबन हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखा, और विरोध करने पर उनकी हर धर्मीयता के कारण उन्होंने उनके साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। इन दिग्गज सितारों को भी आखिर में लता मंगेशकर के सामने हथियार डालने पड़े। गुलाम मुस्तफा दुर्रानी संगीत की दुनिया में नया कदम रखने वाली लता का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की लता मंगेशकर का मनोबल तोड़ने का, उन्हें अपनी कामयाबी का नशा था, घमंड बोलता था उनकी जुबान पर। एक बार तो उन्होंने हद ही कर दी, उन्होंने लता मंगेशकर के पहनावे पर, उनकी सादगी पर तंज कसा। बोले कि तुम रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहनती हो, ऐसा कैसे सफेद चादर लपेट कर तुम जहां चली आती हो। लता मंगेशकर बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया था कि मैं इस घमंडी व्यक्ति के साथ आगे कभी काम नहीं करूंगी, और नहीं किया। हाँ, मैं यहाँ एक बात और बता दूं आपको कि लता मंगेशकर को पुनीत और पावनता का प्रतीक सफेद रंग बहुत पसंद था, शायद इसलिए कि वो माँ सरस्वती की साक्षात पुत्री थी। इसीलिए तो माँ सरस्वती ने उनको अपने पास बुलाने का दिन भी तो वही चुना, अपने प्रकटो उत्सव का बसंत पंचमी के दूसरे दिन। एक तरफ उनका ये उद्दीप्त आत्मगौरव और दूसरी तरफ उनकी उदारता देखिए, जहां घमंड था, अहंकार था, उन्होंने थूका भी नहीं। जहां स्नेह था, प्रेम था, वहां उन्होंने अपनी पहचान तक मिटा डाली। एक बार की बात है कि अनिल विश्वास साहब सुरेंद्र कौर का कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, और उन्होंने तत्काल लता को उसके कोरस में गाने के लिए कहा। बिना कोई प्रश्न पूछे लता ने तुरंत कोरस पे अपना स्वर मिला दिया, जबकि उस समय लता मंगेशकर स्वयं एक स्थापित और लोकप्रिय गायिका बन चुकी थी। क्या आपको मालूम है कि सन 1958 तक हमारे यहाँ फिल्म फेयर जो पुरस्कार दिया जाता था उसमें पार्श्व गायन के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता था, पर 1959 में इस महान विभूति के लिए एक नया इतिहास रचा गया, और 1959 का पहला पार्श्व गायन का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला लता मंगेशकर को।
लता मंगेशकर फिल्मी दुनिया की पहली महिला कलाकार हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। जितनी बातें करें कम ही लगती हैं, पर अब करें क्या, बातें और उनकी यादें, इसके सिवा हमारे पास और बचा भी क्या है। रह रहकर दिल का चोट उठता है और कानों में गूंज उठती है उनकी ये मधुर लहरी, रहे ना रहे हम।